जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं रणदीप सुरजेवाला की जिंद रैली। इस रैली में खुद को कांग्रेसी बताने वाले शख्स ने बवाल कर दिया। नौबत ऐसी आ गई कि बवाली आदमी को मार कर रैली से बाहर निकालना पड़ा। अब हुआ क्या कि रणदीप सुरजेवाला रैली कर रहे थे, रैली में एक व्यक्ति ने हंगामा किया और माइक की तार को खींच लिया। इतना ही नहीं, हंगामा करते उसने रणदीप सुरजेवाला पर गुटबाजी कर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप भी लगा दिया। इसी बीच रैली में मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट कर रैली से बाहर निकाल दिया। हंगामा करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुराना कांग्रेसी बताया, उसने अपना नाम सज्जन बताया। वहीं इस पूरे घटना पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि व्यक्ति ने शराब पी हुई थी, ज्यादा गर्मी के कारण शराब ज्यादा चढ़ गई। उनकी रैली को खराब करने के लिए भाजपा जसपा के लोगों ने ऐसे लोगों को भेजा है। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला जींद में हल्का स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।